हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे ग्रिड बनाना और ये है आपकी रिविट आर्किटेक्चर वीडियो सीरीज वीडियो नंबर 2। इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रिड। एक ग्रिड एक फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से हम कोई भी प्लान ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो क्योंकि ग्रिड हमारी प्लान के लिए होती है, एलिवेशन के लिए भी हम बना सकते हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे केवल प्लान के लिए ग्रिड बनाना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लोर दिया हुआ है, फ्लोर वन फ्लोर। सबसे पहले तो मैं न्यू प्रोजेक्ट में जाकर टेम्पलेट लेता हूँ। जैसे कि मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, टेम्पलेट होती है एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की, अपनी अलग होती है। तो रिविट आर्किटेक्चर में पहले से एक डिफॉल्ट मैट्रिक डीवीएस मैट्रिक यूनिट होगी, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही ओपन किया तो यहाँ चार डॉट्स दिखाई दे रहा है, सर्कल और सर्कुलर। ये हमारी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अब हम फ्लोर वन हमारा सिलेक्ट है, पहले से नहीं है तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा फ्लोर आ गया। अब हमें इस ग्राउंड फ्लोर पर ग्रिड बनानी है। हम हर फ्लोर की अलग ग्रिड भी बना सकते हैं, आप सेम ग्रिड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ आप देख सकते हो एक ग्रिड आइकन है, ये ओपनिंग और डेटम के पास, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे किया मॉडिफाई प्लेस ग्रिड, यहाँ पे चार लाइन ऑप्शन आ रहे हैं, एक सिंगल लाइन है, एक आर्क है, एक फिर आर्क है और एक ग्रीन लाइन है। तो तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम सिंगल लाइन इस पर क्लिक करते हैं, तो हम सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं ग्रिड लाइन की, ये हमारी एक ग्रिड लाइन बन गई। अब आप देख सकते हैं इस ग्रिड लाइन, ये डैश डैश है और यहाँ पे इसके सर्कल में वन रखा है, जिस ग्रिड लाइन की आईडी है। हम चाहते हैं वन ना हो के यहाँ पे हमारा ए बी सी डी हो, तो मैंने ए डाल दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्रिड लाइन बनाते हैं हम, सबसे पहले मैंने कॉर्नर से एक इमेजिनरी डायमेंशन ली, मान लीजिए हम 3 मीटर पे बनाना चाहते हैं, तो 3000 mm ये रेफरेंस आ गया पॉइंट, और यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ने क्लिक कर दिया। इसी तरह से हम ग्रिड नीचे बना सकते हैं, बट ऐसे हमें टाइम लग रहा है कि पहले रेफरेंस लाइन लेते हैं फिर उसके बाद एक लाइन खींचते हैं। तो हम ले सकते हैं ग्रीन वाली लाइन, ऑफसेट वाली, जैसे आप लेवल में करते थे सेम एज। और यहाँ पे हमने ऑफसेट की वैल्यू डाली 3000, और जैसे ही मैं देखिए ऊपर कर्सर ले आके मैं नीचे ड्रैग करता हूँ और इस लाइन पर टच करता हूँ, तो हमारी लाइन ऊपर बनेगी। ऑफसेट में क्लिक किया ये बन गई, फिर ऊपर से क्लिक, ऊपर से क्लिक, और देखिए जो भी नई लाइन बन रही है ग्रिड लाइन, उन सब की जो आईडी है वो ए बी सी डी अल्फाबेट है, हमने फर्स्ट आईडी अल्फा ए डाली थी। इसी तरह हम बना लेते हैं इस डायरेक्शन में, और इसकी भी आईडी हम बना लेते हैं, इसकी आईडी 1 से स्टार्ट करते हैं। सेम ऑफसेट लेते हैं 3000 का, ये हमारा बन गया ग्रिड लाइंस। अब अगर आप ग्रिड लाइन का कलर चेंज करना चाहते हो, तो मैंने इस ग्रिड लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए आ रहा है एडिट टाइप, यहाँ पे एडिट किया और ये रहा कलर, रेड कर देते हैं, ये हो गया आपका ग्रिड लाइन। अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो यहाँ से हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस 3 मीटर 3 मीटर। अगर आप बनाना चाहते हो ग्रिड लाइन आर्क में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क शेप दी हुई है लाइन, और हमने एक पॉइंट ये लिया एक पॉइंट ये लिया, उसके बाद ये पूछता है आपके रेडियस, ये हमने रेडियस ले ली, ये हमारी सर्कुलर आर्क
आर्क बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑफसेट कर लेते हैं, सेम एज 300 या 400 ले ली, 4000 mm ले लीजिए। मान लीजिए आपको ग्रिड बनानी है, एक ग्रिड अलग अलग कलर की बनानी है, दूसरी ट्रिक अलग कलर की बनानी है, तो उसके लिए हमें एक न्यू ग्रिड डिफाइन करनी होगी। एडिट में गया और मैंने इसी का डुप्लीकेट करके इसका लिख दिया न्यू टाइम नाम और ओके कर दिया। अब ये न्यू ग्रिड है, इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लू। ओके, अब यहाँ पे न्यू सिलेक्ट है, अब मैं ज़रा ऑफसेट करता हूँ इसका, तो ये देखिए ये मैं पिछली बार लेवल की तरफ बता चुका हूँ। यहाँ से टिक हटाएंगे तो ये सर्कल हट जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी हट जाएगी। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये चेयर में ले लेगा। तो ये आपका है ग्रिड पैटर्न, और आप इसी तरह से इसी को कॉपी पेस्ट ये रेप्लिकेट कर सकते हो डिफरेंट फ्लोर पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।